नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिनेशपुर में 10वीं की छात्रा के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बता दें कि नाबालिग छात्रा अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, वहीं अब तक मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। खबरों की माने तो छात्रा घर के बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में गिरी मिली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 6 में एक लड़की संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई है। इस सूचना पर हम पुलिस मौके पर गई थी और शव को अपने कब्जे में लिया। उसका प्रॉपर जो विधिक पंचायत नाम भरा गया, उसके बाद क्योंकि उसके जो लड़की थी रहने वाली शक्ति फार्म की है, यहाँ अपने मामा के वहाँ रहती थी, तो जो उसके दादाजी लोग थे वो थोड़ा इसको संदिग्ध मान रहे थे मृत्यु को, कि अचानक कैसे इसकी डेथ हो गई करके। तो इसलिए हमने जो पीएम के लिए डॉक्टर साहब को हमने लिखा है कि इसका पैनल से पीएम करवाई जाए, ताकि इसकी जो मौत की वजह जो वास्तविक कारण है उसका पता चल सके। प्रकरण यह है, मैं लड़की की बुआ हूँ और जब हमें खबर मिली 4 बजे करीब कि लड़की बाथरूम में गिर गई है, उसके बाद सूचना सुनने के बाद हम लोग, उन लोगों ने कहा हम मेडिसिटी लेके आ रहे हैं, हम लोग भी वहाँ से पैसा वैसा लेके आने के लिए तैयार हुए। इतने में सूचना गई है कि लड़की की मौत हो गई, तो वो लोग बोले आप लोग मत आइए, हम लाश लेके आ रहे हैं। उसके बाद हमको टाल मटोल करते रहे ये लोग और उल्टा ये लोग अपना दिनेशपुर लेके आए। ताजमहल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि उरई के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने बीते सोमवार को ताजमहल में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रॉयल गेट के पश्चिमी कॉरिडोर में स्मारकों और मंदिरों की गैलरी पर लगी तस्वीरों को लेकर आपत्ति जताई। संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ताजमहल परिसर में लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को शौचालय के पास से हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देवी देवताओं की तस्वीरें शौचालय के पास से नहीं हटाई गई तो वह आमरण अनशन भी कर सकते हैं। मैं ताजमहल घूमने के लिए आया था और मेरा दिल आहत हुआ है। मैंने वहाँ पे अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को बाथरूम के बाहर उनकी मूर्ति को देखा या उनकी फ़ोटो को देखा, तो हमारे दिल में बड़ी आहत हुआ। और मैंने प्रशासन, लोकल प्रशासन से बात की, CIS IS के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये हटेगा, मुझे नहीं लग रहा ये हटेगा। उत्तराखंड में अपात्र राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा आने वाली 31 मई तक कार्ड सरेंडर न करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, जिसके चलते अपात्र राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंच रहे हैं। लक्सर में इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक तकरीबन 200 राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर चुके हैं। राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर अपात्र राशन कार्ड धारकों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए संबंधित खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर भीड़ जुटी हुई है। पुलिस उप महानिरीक्षक विध्यांचल परिक्षेत्र मिर्जापुर रामकृष्ण भारद्वाज ने जनपद सोनभद्र का वार्षिक निरीक्षण और भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं जैसे कि पत्र व्यवहार शाखा, आंकिक शाखा, अभियोजन शाखा, अपराध शाखा का निरीक्षण किया और शाखा प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही महिला प्रकोष्ठ, विशेष जाँच प्रकोष्ठ, DCRB का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज और कल मेरा जनपद सोनभद्र के अंदर में 2 दिन का प्रवास है, जिसके अंदर में वार्षिक निरीक्षण जो हमको करना होता है वो हम करेंगे यहाँ पर आज कर रहे हैं। जिसके अंदर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का इंस्पेक्शन, डिफरेंट उसकी शाखाओं का इंस्पेक्शन, क्राइम मीटिंग लेना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बैठ करना, पत्रकार प्रतिनिधियों से बैठक करना, पेंशनर से बैठक करना, पुलिस लाइन के अंदर में इंस्पेक्शन करना और 2 थाने क्योंकि इस समय गोरावल और चोपन है, उनका थाने का इंस्पेक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां राजमा की फसल की उम्मीद किसानों ने छोड़ दी थी, वहीं बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सीजन की बारिश से रोड की स्थिति काफी खराब दिख रही है, जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र को लेबर कॉलोनी की तराई से पुलिस ने एक बाइक मैकेनिक को नशीले इंजेक्शन के साथ धर दबोचा। बता दें कि आरोपी युवक के पास से पुलिस ने 26 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं, तो वहीं आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस लगातार जगह जगह वाहनों की चेकिंग अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चला रही है। इसी कड़ी में आईडीपीएल चौकी पुलिस लेबर कॉलोनी की तराई पर स्कूटी सवार एक युवक पुलिस को देख रास्ता बदलकर भागने लगा, तभी पुलिस ने उसका पीछा किया। कुछ दूरी पर स्कूटी को रोककर युवक को धर दबोचा। कानपुर के काकापुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक बच्चे की मां ने नाबालिग लड़के के साथ जबरन निकाह कर लिया। खबरों की माने तो महिला ने नाबालिग लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। बताया जा रहा है कि मौलवी ने बंद कमरे में नाबालिग लड़के के परिवार वालों के सामने ही उसका धर्म परिवर्तन कराया है। अमेठी के गुन्नौर मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक ससुराल से अपने घर वापस जा रहा था, तो स्थानीय लोग युवक को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि आयोजन में मौजूदा आयोजकों ने 5 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता की अपील की थी। साथ ही मौजूद अतिथियों ने वैश्य समाज की राजनीति में उपयोगिता का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश बंसल, महामंत्री सचिन अग्रवाल, कार्यकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी, प्रदेश कार्य समिति सांसद पंकज गर्ग मौजूद रहे। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि गिरीश बंसल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 80% योगदान करने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। पीलीभीत में नामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार प्रभु के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुरनपुर के पर्यवेक्षण में हजारा पुलिस ने थाना माधुटांडा में दर्जनों मुकदमों में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी निवासी छोटे उर्फ मुजिब खां को गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ललितपुर चमरोआ गांव में एक प्रधान की दबंगई सामने आई। बता दें कि यहां गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान सहित महिलाओं की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। खबरों के बारे तो दोनों पक्षों पर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रधान ने महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सहारनपुर के देवबंद विकासखंड के गांव कुरलकी और महतौरी का है, जहां ग्रामीणों ने सापला रोड स्थित बड़े विद्युत कार्यालय पर जमकर हंगामा करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोस के गांव नगली नूर फीडर से उनके गांव में विद्युत सप्लाई होती है, लेकिन लगभग 10 से 12 दिन से उनके गांव में बिजली नहीं आ रही, और अगर फोन करते हैं तो कर्मी उनके साथ गाली गलौज करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि या तो हमारा सीडर बदल दिया जाए या फिर हमारी लाइन उतार ली जाए। जी बिजली की समस्या है, हम ये लेकर आए। हमारा जो बिजली घर है बोपर नगली मो वहाँ पर जो लोग रहा वे लोग एक ना तो सीट डोन दे वो ना वहाँ ध्यान कर रहे। अगर हम रात को फोन करो या लाइन जोड़ना या कुछ भी करना, ना फोन था ना गाली देनी, माँ धी की गिट्टल पिट्टल बताना, बदतमीजी करनी और नुका कर तेरा गोली मार देंगे। अगर तुम ज़्यादा ज़्यादा प्रधान बनता हो तू तुझे प्रधान बनना सिखा देंगे, तेरा मुँह छेद कर लाल कर देंगे, हम तुझे प्रधान बनना सिखा देंगे। और भी नाम है उसका अरविंद ने जो गाली दी हो नगली पर आया जी, नगली फिटर पर लाइट की समस्या बारह तक तो भारत यहाँ लाइट नहीं आई जी, कभी थोड़ी बहुत आओ है जी, दो गांवों में जी कुरल की मायतोली में अभी ये चाहते लाइट चाह गई और उनका ट्रांसफर चाह गए, वहाँ चाहते नहीं तो मैं लाइन हो रहा था जोड़ दो, जो हमारा उनका फर्क ही ना रहा कुछ भी। समस्या हमारे गाँव में 8 दिन तक पानी आ रही लाइट, 12 दिन से बल्कि 12 तारीख से बंद पड़ी और परेशान है लोग,
बेंता आज उन्हें कहा तो मैं लड़ा हूँ गाली गलौज करा जो बिजली जो फीटर पर रहा ऑपरेटर वहाँ जोर लाल मार और दिन लाइट नहीं आ रही आठ दिन भारत हाल ही में शामली में नगर पालिका में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन के एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था जिसमें यूनियन ने अपने संगठन का विस्तार किया तो वहीं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भी किसान के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके अलावा यूनियन प्रमुख की तरफ से कहा गया कि जो अन्य संगठन ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका भी जवाब किसानों की लड़ाई लड़कर दिया जाएगा। अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के कस्बे से एक खबर है जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलता नजर आया। इस कार्रवाई के बाद से कस्बे में मौजूदा दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सड़क के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को दो दिन पहले नोटिस जारी करते हुए अल्टीमेटम जारी किया गया था लेकिन प्रशासन की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम को दुकानदारों ने गंभीरता से नहीं लिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।